नमस्कार एंड ए वेरी वॉम वेलकम टू टिजार्ड्स ऑटोमोबाइल्स। चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की, जहां पे आपके प्रश्नों के उत्तरों के साथ मैं विनीत शर्मा फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो पहला सवाल पूछा निर्भय सिंह जी ने, और बड़ा अच्छा सवाल है साहब। इन्होंने पूछा है डिजायर वीडीआई और बलेनो डेल्टा, इन दो गाड़ियों में इनको कन्फ्यूजन है। तो डिजायर और बलेनो डेल्टा, डिजायर वीडीआई और बलेनो डेल्टा, इन दोनों गाड़ियों में से इनके लिए कौन सी बेहतर रहेगी, जानना चाहते हैं। देखिए, आपने कुछ लिखा नहीं अलग से कि आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं आपको एक जनरलाइज आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। सवाल को मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि 7.47 लाख एक्स शोरूम ये बलेनो डेल्टा की कीमत है, और डिजायर वीडीआई 7.58 लाख एक्स शोरूम करीब इतने रुपए की आ जाती है। तो प्राइसेस इनकी ओवरलैप कर रही है कहीं ना कहीं, तो ये अच्छा एक नॉर्मल लॉजिकल सवाल है जो कि लोगों के दिमाग में आ सकता है। अब आपको अगर चुनना हो दोनों गाड़ियों में से, आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि दोनों गाड़ियों के अंदर इंजन सेम है, वही 1248 cc का इंजन है, सेम पावर है, सेम टॉर्क है दोनों गाड़ियों के अंदर, माइलेज भी करीब करीब सेम है। बलेनो का 27.39 और डिजायर का आपको 28.40 इतना माइलेज मिल जाता है। डिजायर क्योंकि एक कॉम्पैक्ट सेडान गाड़ी है, तो ऐसी गाड़ियों में जनरली थोड़ा माइलेज सेम रहता है। इनका वजन भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहेगा, और टर्निंग रेडियस भी करीब करीब 0.1 का डिफरेंस वहाँ पे मीटर का देखने को मिलता है, बाकी ओवरऑल वो सेम है। डायमेंशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको फर्क देखने को मिलता है, फीचर्स एक और ऐसी पॉइंट है जहाँ आपको फर्क देखने को मिलता है। क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, व्हील बेस बलेनो को ज़्यादा अच्छा है, साथ में बलेनो की चौड़ाई ज़्यादा है डिजायर से। ऐसा होने के कारण जो इंटरनल केबिन स्पेस है वो आपको बलेनो में हमेशा ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि यार कहीं पर गाड़ियाँ बैठे खुली खुली सी लगे, गाड़ी के अंदर आपको जगह काफ़ी ज़्यादा महसूस हो, और बैठना तीन लोग अगर पीछे की सीट पर बैठते हैं ज़्यादा कंफर्ट के साथ बैठ सकें, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा अगर आप बलेनो लेते हैं। तो पहला तो ये एडवांटेज रहा। दूसरा, बलेनो के अंदर कुछ प्रीमियम फीचर्स भी हैं, इनफैक्ट इसी डेल्टा मॉडल के अंदर आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक एसी। जनरली जो नीचे वाले वेरियंट्स होते हैं उनके अंदर आपको मैनुअल एसी मिलता है, लेकिन बलेनो के अंदर मारुति ने ऐसे ही उसको प्लेस किया है अपने प्रोडक्ट को कि नीचे वाले वेरियंट के अंदर डेल्टा भी नीचे से दूसरा वेरियंट है, तब भी यहाँ पे भी आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। आपको साथ में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, तो ये एक अगर लुक वाइज बात करेंगे थोड़ा सा आपको लगेगा कि प्रीमियम है। दूसरी बात रही कि दोनों गाड़ियाँ अलग अलग सेगमेंट की है। डिजायर आपके पास एक कॉम्पैक्ट सेडान गाड़ी है, बलेनो आपके पास एक प्रीमियम हैचबैक गाड़ी है। आपको एक बार मन बनाना पड़ेगा कि दोनों की में से डिज़ाइन आपको किसका अच्छा लगता है। मेरा एक फ्रेंड था, ही वॉज वेरी डिजाइन ओरिएंटेड, तो मैंने उनको बलेनो सजेस्ट करी थी। उनका सिटी में ज़्यादातर ड्राइविंग रहता था, क्योंकि उनको स्टाइलिश गाड़ी चाहिए थी सिटी कंडीशंस के लिए। अगर आप हाईवे पर दोनों गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं, 19-20 का फर्क आपको मिलेगा स्टेबिलिटी में। अगर आप 120-130 की स्पीड पर चला रहे हैं, दोनों ही गाड़ियाँ सेफ नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन इतनी स्पीड के ऊपर आपको डिजायर थोड़ी सी ज़्यादा सेफ लगेगी बलेनो से, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, 19-20 का ही फर्क है स्टेबिलिटी में हाई स्पीड के ऊपर। अब बात करते हैं रियर सीट्स के बारे में। मैंने कहा कि रियर सीट पे तीन लोग आसानी से बैठ सकते हैं बलेनो में, लेकिन डिजायर में भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि रियर एसी मिल जाता है आपको वीडीआई वेरिएंट के अंदर, तो पीछे बैठे यात्रियों को अच्छी हवा मिल पाएगी, वो उनका एडवांटेज है। बलेनो में एक दूसरा एडवांटेज रहेगा, उसकी पीछे की सीट्स 60-40 स्प्लिट है, तो बलेनो का बूथ 39 लीटर का काफ़ी बड़ा है, डिजायर का 378 लीटर का है, उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन दोनों ही बूट्स को मैं बड़ा मानूंगा क्योंकि इनका साइज मतलब 339 लीटर भी जो कि बलेनो का है वो भी काफ़ी डिसेंट है, लेकिन बलेनो का बूट और बढ़ सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी आप ट्रैवल करते समय पीछे सामान रखना चाहते हैं एक्स्ट्रा, कि यार थोड़ा सा कुछ बड़ा कैबिनेट है, बड़ा बॉक्स है, टेबल है, चेयर है, पीछे की सीट पे रख के फोल्ड करके बूट बड़ा कर लें, वहाँ पे सामान कर लें, तो वहाँ पे बलेनो में ही हो सकता है, डिजायर में वो एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है, तो ये बलेनो को जो मैं डिस्टिंक्ट एडवांटेज बता रहा हूँ वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बलेनो में एक कमी और है, ये तो खूबी बताई थी मैंने बलेनो की, लेकिन बलेनो में एक कमी और है कि इसका जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता, और डिजायर के अंदर वो आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है। तो अगर आपके परिवार में एक से ज़्यादा लोग गाड़ी चलाने वाले हैं और उनके हाइट में भी डिफरेंस है, तो वहाँ पे डिजायर को एडवांटेज मिल जाएगा। तो एक बार फिर से जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि क्या खूबी है बलेनो में, क्या खूबी है डिजायर में, और फिर आप चुनिए। तो अगर आपको हाई स्पीड पे थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, गो फॉर डिजायर। अगर आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए 378 लीटर का, जो कि 39 लीटर बलेनो से ज़्यादा है, गो फॉर डिज़ायर। अगर आपको रियर एसी वेंट्स चाहिए तो आपको डिज़ायर में मिलेंगे। अगर आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट चाहिए, वो भी आपको डिज़ायर में मिलेगी।
बलेनो कब लेनी चाहिए? बलेनो तब लेनी चाहिए अगर आपको रियर सीट्स फोल्डेबल चाहिए ताकि ज़्यादा सामान रख सकें, ऑटोमेटिक एसी चाहिए, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प चाहिए, एक स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, अगर आपको अच्छा व्हील बेस केबिन में स्पेस ज़्यादा चाहिए, या फिर रियर पैसेंजर जो बैठते हैं 3 लोग आसानी से बैठ सकें, थोड़ा सा 10 मिलीमीटर ज़्यादा है लेकिन वो भी थोड़ा सा पीछे फ़र्क डालता है इस चीज़ का, तो 10 मिलीमीटर विड्थ ज़्यादा है बलेनो की डिज़ायर से, तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि पीछे थोड़ा सा और आराम से बैठ सके लोग, तो हमें बलेनो आपके लिए कारगर रहेगी। इन बातों पे अपने आप चुनाव कीजिए। फिर भी मैंने देखा है जनरली लोग इन दोनों गाड़ियों में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, चाहे कितना भी डिस्कशन क्यों ना हो जाए। एक बार मन बनाइए अपना और इतना आपको ये सवाल आंसर करने की कोशिश कीजिए, आप किस तरह के, आप किस टाइप के इंसान हैं। आप देखिए कि आपको एक काफ़ी समय से डिज़ायर चली हुई गाड़ी है इंडिया के अंदर, लोग जाँच चुके हैं, परख चुके हैं और एक्सेप्ट कर चुके हैं उसको ढंग से, बलेनो भी अच्छे नंबर में बिकती है, लेकिन डिज़ायर तो इंडिया की नंबर वन सेलिंग गाड़ी है, तो आपको ओके है कि जो जनता पर का प्रोडक्ट है रोड पे काफ़ी दिखता है वो चलाने में, या फिर आपको थोड़ा सा कुछ हटके डिफरेंट नया चाहिए, देन गो फॉर बलेनो। तो आप इन सब बातों पर अपना चुनाव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क गाड़ियों के अंदर नहीं है, सिमिलर है, वजन सेम, सेफ्टी सेम, सब कुछ सेम रहेगा, डिफरेंस सिर्फ आएगा आपको जो कुछ 4-5 फीचर्स मैंने गिनाए हैं इनके ऊपर। इनके ऊपर डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहने वाली है और बताइए फिर कौन सी गाड़ी आप चुनते हैं, ताकि आप अपना फीडबैक हमारे साथ इस चैनल पर शेयर कर सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके कोई और सवाल है ज़रूर से कमेंट करके मेरे साथ शेयर कीजिए। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल था, इसके लिए मैंने पूरा वीडियो इसके ऊपर डेडिकेट कर दिया और काफ़ी लोगों का कॉमन था ये, इसलिए मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया है। आपके कोई सवाल हो ज़रूर से कमेंट करके मेरे साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपके सवालों को मैं जल्दी जल्दी एड्रेस कर सकूँ और आपके साथ डायरेक्टली जुड़ सकूँ। और लास्टली कोई अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।